ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले मैं रेज कर लूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको क्या दिया है, ठीक है, आप पहले एक डायग्राम बना लो, उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, जो भी बच्चा आरएमसी की तैयारी करे, याद रखना कि उनको इतनी प्रैक्टिस करनी कि जो क्वेश्चन का मतलब है वो समझ में आ जाए। इंटरप्रिटेशन उसे हम कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा और आप उसको मैथमेटिकली लिख ही नहीं पा रहे तो बेटा आगे क्या सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, यू हैव बीन गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स सेम हो। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड सेम होती है, सारी साइड सेम और दी भी है, इसने दी है 4.18 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ इट इज़ मेड ऑफ वायर, तो एक वायर से एक ट्राइंगल बना हुआ है। इफ़ द सेम पीस ऑफ वायर इज बेंट इन टू अ रिंग, अगर अब मैं इसी वायर को जो है वायर से ट्राइंगल बनाया, अगर मैं इसी से क्या बना दूँ, एक रिंग बना दूँ गोल, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि जो पेरीमीटर इस ट्राइंगल का होगा वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा बेटा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी 3a, पेरीमीटर कितना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3a, मतलब 3 × 4.18 सेंटीमीटर, और ये कितना जाएगा, 8 × 3 = 24 का 4 कैरी 2 5, ये आ गया 12.54, दिस विल बी 12.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेडियस होगा r, इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ना, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2πr, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, एंड हियर द सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि उसी वायर से मैं क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, और रिंग बना रहा हूँ, आई कैन से इट रिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 12.54, और मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिंग। सो इसका डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ r, सो आई हैव टू कैलकुलेट ट्वाइस ऑफ r एंड 2r, यही तो डायमीटर है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो मुझे पाई हटाना है, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, डायमीटर 2r विल बी इक्वल टू 12.1254 अपॉन 100, और नीचे पाई आ जाएगा, तो ये 22 यहाँ ले लूँगा मैं, अपॉन 7 × 7 ऊपर आ जाएगा, बस द रेस्ट इज कैलकुलेशन। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, अब तो बहुत इजी है, सो सॉल्व करना है, दैट विल बी अ डायमीटर। अच्छा, 22 से देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा, 11 से काट के देखते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, तो 114, ठीक है। एंड 2 से फिर से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 7, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, 57 × 7/100, ठीक है, एंड दैट विल बी 7 × 7 = 49 का 9 कैरी 4, 7 × 5 = 35 एंड 4 = 399, ठीक है। सो 399 एक पॉइंट लगा लो क्योंकि अपॉन 100 है, सो 3.99 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब 2r होता है, आपको अलग से r निकालने की जरूरत नहीं कि आप r निकाल रहे हो फिर आप इंटू 2r कर रहे हो, डायमीटर का मतलब ही होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ओके, वेरी सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, अच्छा नहीं, अगले क्वेश्चन में अ हॉलो सिलेंडर कॉपर पाइप इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम इन मेकिंग द पाइप, अरे वेरी सिंपल अगेन। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं पहले वाले को, आप लोग पॉज करके बेटा नोट कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें वीडियो पॉज कर लेना एंड देन नोट इट डाउन। अच्छा, एक हॉलो सिलेंडर है, अगर हॉलो सिलेंडर ऐसा होगा बेटा, सी, ठीक है, जैसे एक ट्यूब होती है, जैसे एक पाइप होता है ऐसे, ठीक है, बीच से हॉलो है ऐसे, ठीक है, ओके, ये बीच से हॉलो है बेटा, इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खाली है, आप ये सोचो कि ये क्रीम रोल है जिसकी क्रीम मैं खा चुका हूँ, ठीक है, इट्स अ क्रीम रोल जिसकी क्रीम मैं खा चुका हूँ, तो ये एक हॉलो क्रीम रोल है, ठीक है, इट्स अ हॉलो क्रीम रोल। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या दिया है, इसकी लेंथ आपको दी है, ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है इस केस में, हाइट, ठीक है, हाइट कितनी लंबी है इसकी, 210 सेंटीमीटर, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं. इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर, आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर गिवन टू यू बेटा. आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर दिया है 10, आउटर डायमीटर 10 का मतलब है तो रेडियस कितना हो जाएगा आउटर 5. तो बेटा सेंटर से बाहर तक, सेंटर से बाहर तक कितना हो जाएगा 5, ठीक है. दिस विल बी 5 सेंटीमीटर. और इनर कितना दिया है, इनर दिया है 6 इनर डायमीटर. तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 6 का हाफ 3. सो दिस विल बी हाउ मच, इतना यहाँ से ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड दिस रिमेनिंग पार्ट विल बी हाउ मच बेटा, 5 - 3 करेंगे तो दिस रिमेनिंग पार्ट की विड्थ कितनी जाएगी 2, ठीक है. वैसे ज़रूरत तो नहीं है, देखता हूँ अभी क्वेश्चन में ज़रूरत है या नहीं. अच्छा चलो, अब नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप. इस पाइप बनाने में कितना कॉपर लगा. तो बेटा यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये जो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा था, क्रीम रोल की मैं क्रीम खा चुका हूँ, तो वो जो बाहर का हिस्सा है, वो जो क्रंची वाला पार्ट है क्रीम रोल का, उसका वॉल्यूम निकालना है आपको सिर्फ, ना कि उसके अंदर जो क्रीम थी. क्रीम तो मैं खा चुका हूँ और उस एम्प्टी स्पेस का अब हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे. तो वो कैसा आएगा, अब आप खुद ही सोचो. अगर मैं पूरे क्रीम रोल में से अंदर की क्रीम खा दूँ, अगर मैं पूरे क्रीम रोल में से अंदर की क्रीम खा लूँ, तो बाहर का जो आउटर शेल है वो आ जाएगा, ठीक है. उसी तरीके से अगर हमें क्या निकालना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर विच इज़ यूज्ड, तो कॉपर तो बेटा सिर्फ इतना ही बना है, ठीक है. मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है यही तो कॉपर है सिर्फ ना, रिमेनिंग तो अंदर इसके होल है ना. तो ये क्रीम रोल का बाहर वाला पार्ट कैसा आएगा, टोटल क्रीम रोल में से अंदर की क्रीम खा लो, मतलब टोटल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, बस दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है. तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके. तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो टोटल पाइप का वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम जो अंदर हॉलो वाला पार्ट है, वो जो क्रीम है जो मैंने खा ली, माइनस इनर वॉल्यूम. और ये सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बच्चों से को बताया था कि अगर आप सर्कल को हाइट दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर. सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट दोगे इनटू एच करोगे तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो ये हो जाएगा पाई आर, चलो मैं बड़े वाले जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, पाई स्क्वायर एच, ठीक है. हाइट तो दोनों की सेम है, माइनस पाई स्मॉल आर, इनर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर, आर स्क्वायर एच, ठीक है. हाइट एंड पाई आर सेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, पाई एंड एच कॉमन ले लेता हूँ मैं, इनकी वैल्यूज अभी रखेंगे बाद में, ठीक है. पाई और एच कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल आ गया. तो 5 और 3 है वैल्यू, ठीक है. तो ये आ गया पाई एच आर स्क्वायर मतलब 25 माइनस आर स्क्वायर मतलब 3 3 9, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू पाई एच इंटू 16. अब हम पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई कितना है 22/7 इंटू हाइट कितना, हाइट है 210 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. वॉल्यूम की जो यूनिट है, यूनिट बड़ी ज़रूरी है बेटा, काट लेते हैं 7 × 7 = 30 आ जाएगा यहाँ पर 30, बस. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, सो 22 इंटू 30 इज 660, सीधा 660 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. सो 6 × 0 = 36 इंटू 660, और ये आ गया 10, 10560, ठीक है. क्या आ गया वॉल्यूम, 10560 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. कोई डाउट इस पे, सो इट्स वेरी सिंपल ना, इट्स वेरी सिंपल 10560. तो हमने क्या किया, एंड सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द यूनिट. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये लॉजिक समझा कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, सिर्फ कॉपर का, तो हमें टोटल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा. इनर क्योंकि इनर कुछ है ही नहीं बेटा, वो क्रीम तो मैं खा चुका हूँ,
ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो उस केस में हम टोटल वॉल्यूम निकालते, ठीक है, अगर ये हॉलो सिलेंडर नहीं होता, ये एक सॉलिड सिलेंडर होता तो हम टोटल वॉल्यूम निकालते फिर हम, ठीक है, एक ही रेडियस होता। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले हम रख कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना बेटा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, कुत्ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आरएमसी का लेवल देखिए कितना बढ़िया है, इवन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं सीडीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अगेन सेम लेवल की मैथ्स है सीडीएस के बच्चों के पास, एफकैट के बच्चों के पास, इवन यूपीएससी का लेवल, सिविल सर्विसेज में जो सीसेट पेपर होता है उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके बच्चे ये मैथ्स सीख जाते हैं आरआईएमसी की और बेसिक, क्योंकि इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बड़े बच्चों का है तो बड़े बच्चे कर पाएंगे, ये एक साइकिल चलाने जैसा है, मैं बच्चों को बताता भी हूँ, ठीक है, तो कोई भी सीख सकता है लॉजिक, कोई भी समझ सकता है, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, नथिंग। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 और सिंप्लीफाई है, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, 5 to the power 5 इंटू 3 to the power -5 अपॉन 125 इंटू 6 to the power -5 इंटू 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले मुझे पावर्स नेगेटिव में अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो मैं इसको 5 to the power 5 लिखूंगा इंटू 6 to the power 5 को मैं न्यूमरेटर में ले आया तो पावर पॉजिटिव हो गई, इंटू 10 to the power -1 था तो 10 उसको ऊपर ले आया, अपॉन 125 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 to the power 3 ना, 5 5 25 5 125 इंटू 3 to the power 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 5 था तो नीचे आ गया, दैट्स इट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ टोटल, ठीक है, ओके। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे 5 to the power 5 है, 5 to the power 3 है, तो ये तो कैंसिल जाएगा, यह जाएगा 5 to the power 2, ठीक है, तो पहले आ गया 5 to the power 2 इंटू, अच्छा 6 to the power 5 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 into 3 to the power 5 इंटू, और मैं 10 को लिख सकता हूँ, 2 into 5 अपॉन, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 3 to the power 5 नीचे। अच्छा, अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 5 to the power 2 इंटू, अच्छा 2 into 3 to the power 5, पावर्स में दोनों को दे सकता हूँ, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5 इंटू 2 into 5 अपॉन 3 to the power 5, सो 3 to the power 5 कैंसिल, ये आ गया 5 to the power 3 इंटू 2 to the power 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब ऐसे पावर्स में तो हमने लिख लिया, एंड फाइनली सॉल्व कर लेते हैं ऐसे, तो ये कितना जाएगा, 5 to the power 3 विल बी 125, 2 to the power 6, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 32, 64, ठीक है, सो 125 इंटू 64 हमें करना है, ठीक है, 5 4 20 कैरी 2, 4 2 8 9 10 कैरी 1, 4 1 4 5 इंटू, बस ऊपर कर लेता हूँ, 6 5 30 कैरी 3, कैरी 3 हो गया, 6 2 12 3 15 कैरी 1, 6 1 6 7 तो कितना आ गया, 0 0 8000, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 8000, एनी डाउट, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने, अच्छा एक चीज़ हमने गलत कर दी है, ठीक है, ओके, एक चीज़ हमने, नहीं नहीं सही है, 5 to the power 5 इंटू 6 to the power 5 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 5 to the power 3, हाँ 125 को हमने 5 to the power 3 लिखा, और इंटू 3 to the power 5, ठीक है, ठीक है, और फिर हमने 5 to the power 3 को काट दिया, आया 5 to the power 2 इंटू 6 को हमने 2 into 3 to the power 5 लिखा, इंटू 2 into 5 अपॉन 3 to the power 5, ठीक है, 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5 इंटू 2 into 5 ये कैंसिल हो गया, दैट्स इट, बिल्कुल, कोई डाउट, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं इसको सोच रहा था कि ये 5 to the power 2 है, नहीं, इट्स 5 to the power 5, ओके, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव ऑन।
अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आफ्टर 14 इयर्स। अच्छा सवाल है ये भी। अच्छा अगर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको भी कमेंट करके मुझसे कहिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप स्पेशली एलजेब्रा का वीडियो बना लो या ज्योमेट्री का वीडियो बना लो, तो बेटा आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ बनने में और अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियोज़ बनता है उसमें फिर एडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको जो इंग्लिश का सोल्यूशन है वो तो पहले दे दिया था, लेकिन मैथ्स का देने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है, क्यों लग रहा है, क्योंकि अगेन रिकॉर्डिंग इज़ देयर, देन एडिटिंग इज़ देयर एंड एवरीथिंग इज़ देयर, सो आई एम नॉट गुड एट इट, ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेयर इट, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वो स्पीड भी बढ़ाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दे, जल्द से जल्द आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छा आफ्टर 14 ईयर्स राम विल बी 3 times, अरे तो बेटा आफ्टर 14 ईयर्स मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं आपकी एज पूछूँ आफ्टर 14 ईयर्स, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट एज मालूम होनी चाहिए, सो मैं वही लिख लेता हूँ कि लेट प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम बी एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है आफ्टर 14 ईयर्स, सो आफ्टर 14 ईयर्स राम विल बी हाउ मच, x प्लस 14, और एक चीज़ और दिया है एज ही वॉज 4 years ago, अगर मैं 4 years ago देखूँ, 4 years ago देखो तो राम कितना हो जाएगा, x माइनस 4, 4 साल कम कर लो 4 साल पहले, बस अब जो भी कंडीशंस दिए हैं वहाँ पर वैल्यू रख लो। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस सवाल पे, ठीक है, वो इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पाते और सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके नहीं रखते, जो चीज़ गिवन है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, तो मैंने क्या करा, मैंने अभी जो भी कंडीशन दी थी 3 times एज ओल्ड एज, वो तो मैंने लिखी नहीं, मैंने क्या देखा कि उसने आफ्टर 14 ईयर्स दिया है मुझे, तो पहले मैंने राम की एज निकाल दी आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ऐड कर लिया, और एक जगह मुझे स्टेटमेंट दिया है 4 years ago, तो जो राम की एज 4 साल पहले कितनी होगी, 4 माइनस कर दूंगा। अब वो क्या कह रहा है, अब मैं देखूंगा, अब मुझे तो वैल्यूज पुट करनी है बेटा, तो अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है राम विल बी आफ्टर 14 ईयर्स, तो राम वाला राम कौन सा वाला होगा, आफ्टर 14 ईयर्स वाला राम होगा, ठीक है, तो मैं साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पर आप लोग ले, राम विल बी राम कौन सा वाला राम, आफ्टर 14 ईयर्स वाला, आफ्टर 14 ईयर्स वाला राम, यहाँ पर एक्स नहीं लोगे आप, 14 ईयर्स आफ्टर वाला लोगे, तो राम विल बी इज इक्वल टू, विल बी मतलब इज इक्वल टू 3 times 3 into एज ओल्ड एज ही वॉज 4 years ago, अब यहाँ पर राम की 4 years ago, तो 4 years ago वाला कितना है, एक्स माइनस 4, ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, यही था बस इसमें, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो राम आफ्टर 14 ईयर्स कितना है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 26 एंड एक्स विल बी इज इक्वल टू 13 years, ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालनी थी राम की, तो कितना आ गई 13 years, हाँ प्रेजेंट एज ऑफ राम इज हाउ मच 13 years, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल, यू हैव टू फाइंड एक्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं सीधा, ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको मैं रख कर लेता हूँ। अगले सवाल में मुझसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में है बेटा, ठीक है, 15 में हमसे पूछा गया है 5/7 की पावर माइनस एक्स इंटू, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने बच्चों से कहा भी है कि मुझे माइनस पावर अच्छी नहीं लगती, ठीक है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट एक्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये जो माइनस है पावर की उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5/7 को कैन आई राइट 7/5 टू द पावर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड, अच्छा 5/7 को मैं फिर से 7/5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4 इज इक्वल टू 5/7 को मैं फिर से 7/5 की पावर माइनस 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछोगे मुझसे,
कि सर आपको तो पावर्स हमेशा पॉजिटिव में लिखना पसंद है था, लेकिन आपने 5/7 अच्छे खासे 5/7 को 7/5 क्यों बना दिया? क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो बेस आपका 7/5 है, आप इसको 5/7 करके भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बच्चे कभी कभी साइन में कन्फ्यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने इसको कराया। अच्छा अब क्या करते हैं हम, जब भी हमारा बेस सेम हो और कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये जाएगा x माइनस 4 पावर सब्ट्रैक्ट जाएगी, ठीक है, 7/5 टू द पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 7/5 टू द पावर माइनस 5। तो अब बेस क्योंकि सेम है, बेस क्योंकि सेम है, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली फाइंड x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5 और x विल बी इज इक्वल टू माइनस 1। सिंपल, आगे बढ़े, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला रेशियो वाला है तो उसको मैं मिटा लेता हूँ बेटा, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके रेशियो वाला सवाल है, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बच्चों को समझनी ज़रूरी होती है। तन्मय और नमन दे रखा है, इनकी एज का रेशियो दिया है एंड देन आफ्टर 5 ईयर्स दिया है। हमेशा याद रखना कॉमन मल्टीपल, मैं रेशियो के क्वेश्चंस हमेशा कॉमन मल्टीपल लेते हुए करता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ क्योंकि थोड़ा सा उससे ईजी पड़ता है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, नहीं तो आप लोग अपने फंडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो तन्मय और नमन, मैं T:N लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग पूरे नाम लिखिएगा। T:N का रेशियो कितना दिया है, 5:7, मतलब तन्मय इज टू नमन का रेशियो दिया है 5:7। अब मैं क्या करूँगा, आई टेक कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मैं कॉमन मल्टीपल लूँगा क्योंकि मैं बेटा आई कैनॉट डू एनी कैलकुलेशन विथ रेशियोज़, रेशियोज़ के साथ मैं प्लस माइनस नहीं कर सकता, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकता हूँ मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। रेशियो के साथ मैं प्लस माइनस तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं कॉमन मल्टीपल ना लूँ, तो ले टेक कॉमन मल्टीपल एक्स, तो जो तन्मय की एज हो जाएगी वो जाएगी 5x और जो नमन की एज हो जाएगी दैट विल बी 7x। अब आफ्टर 5 ईयर्स बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस, अरे पहले मैं रेशियो तो बाद में लिखूंगा लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स में मैं इनकी एज तो निकाल लूँ। सो आफ्टर 5 ईयर्स तन्मय कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 5x प्लस 5, उसकी एज थी। देखो अब मैं ऐड कर रहा हूँ ना 5x प्लस 5, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉमन मल्टीपल ले लिया है। सिमिलरली n विल बी इज इक्वल टू 7x प्लस 5 एंड आफ्टर 5 ईयर्स नाउ द रेशियो, नाउ द T/N द रेशियो हैज़ बिकम 5/6, ठीक है, ये आफ्टर 5 ईयर्स वाली कंडीशन है। तो t की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, 5x प्लस 5 अपॉन n की वैल्यू क्या रखूँगा आफ्टर 5 ईयर्स वाली, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 5/6। आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई गेट x, इफ आई गेट x देन आई कैन गेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ तन्मय एज वेल एज नमन, वेरी सिंपल। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है, सारी चीज़ों को न्यूमरेटर ला रहा हूँ, 6 5 30x + 30 इज इक्वल टू 7 5 35x + 35। ऊपर चलते हैं, ओके तो ये आया एक्स एक्स एक तरफ ले लेते हैं, दिस विल बी 5x, ठीक है, 35x माइनस 30x विल बी 5x एंड 30 - 35 विल बी -5, x विल बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, x will be = -1, तो नेगेटिव आ रहा है, डजेंट मैटर बेटा, ठीक है, इट कैन कम नेगेटिव, ठीक है, हमें सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। आप बोलोगे सर एज, हाउ द एज इज कमिंग नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने चीज़ों को प्लस माइनस करना है, ठीक है, ओके एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर ली, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, 7x + 5 5 = 25 होता है, यहाँ पर हमने 35 लिख लिया, तभी माइनस में आ रहा था, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है, ओके चलो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में ध्यान देना है, 35x + 25, चलो अब सही आएगा, सो इट विल बी 5x इज इक्वल टू 30 - 25 5 प्लस 5 विल कम और x प्लस 1 विल कम, ठीक है, तो तन्मय कितना जाएगा, 5 × x 5 × 1, तन्मय की एज आ जाएगी 5 ईयर्स और नमन कितना जाएगा, 7 × 1 कितना, 7 ईयर्स, अरे सिंपल। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए भी पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों से, ओके लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9 एंड 15, ठीक है, सो फॉर दैट, क्योंकि 6, 9, 15 को अलग अलग चेक करने से अच्छा तो मैं 6, 9, 15 का क्या निकाल लूँ, LCM निकाल लूँ। LCM कैसे निकालोगे आप, इट्स वेरी ईजी,
ऐसे आप निकाल सकते हो, 2 3 9 15 एंड देन 3 से काटेंगे हम सबको, 3 1 3 3 9 3 5 एंड देन 3 1 1 5 एंड देन 5 1 1 1 ठीक है। सो एलसीएम कितना आ गया, 3 6 3 18 5 90 तो एलसीएम आ गया 90 ठीक है, 90 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, यू वांट द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर ठीक है, इट शुड बी अ लीस्ट और स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6 9 15। तो आप अब अगर 6 9 15 नहीं चेक करना तो अगर वो 90 से डिविजिबल है ना बेटा, फॉर एग्जाम्पल 90 इज दैट फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 एज वेल एज 9 एज वेल एज 15, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वट यू विल डू, अब आप 90 के टेबल देखो बेटा ठीक है, 90 के टेबल में डेफिनेटली इट विल कम ठीक है, क्योंकि 90 के टेबल में अगर वो 90 से डिविजिबल है तो वो पक्का 6 9 और 15 से भी डिविजिबल होगा ठीक है। जो नंबर मेरा 90 से डिविजिबल होगा वो 6 9 15 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 90 6 9 और 15 का ही एलसीएम है। तो 90 की टेबल बोलूँगा तो 91 90, 92 180। अच्छा 91 90, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, हाँ इज 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 3 9 होता है, बट 30 × 30 विल बी 900 ठीक है। क्या 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। अच्छा क्या अगर मैं 93 करूँगा कितना आएगा, 270। क्या 270 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं ठीक है। आपने ये भी दिमाग लगाना है बेटा कि 90 के उसमें अगर मैं देखूँ तो 93 270, क्या 270 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 94 360, क्या 360 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 6 6 36, बट अगर मैं 60 × 60 करूँगा सो आई विल गेट 3600। सो ये बेटा नहीं आएगा। अगर आप 90 × 10 करोगे फाइनली सो दिस 900 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30। तो ये 900 इज द आंसर। सो 900 इज द लीस्ट नंबर बेटा विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज डिविजिबल बाई 6 9 15 ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है क्योंकि जितने भी नंबर उससे पहले आएंगे, चाहे वो 360 हो, चाहे वो 540 हो, चाहे वो 450 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा ठीक है। 900 इज द लीस्ट और द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच विल बी डिविजिबल बाई 6 9 15। अब आप उसको 6 9 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 900 इज द आंसर। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 8 1 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड द पीटी टीचर, ओके इसको मैं रख कर लेता हूँ ठीक है। सो 3 4 8 1 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ स्कूल, द पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम सच दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अरे स्क्वायर रूट निकालना है ठीक है। सपोज अगर ये आपकी क्या है, ये कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज हैं ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ अगर 1 2 3 4 फोर कॉलम्स हैं एंड 1 2 3 4 और फोर क्या हैं आपके रोज़ भी हैं ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे बेटा इसमें, आप पॉइंट देखो यहाँ पर, सपोज़ एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ, तो ये काउंटिंग है बेटा। कितने आएंगे अगर सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो कितने आएंगे, फोर कॉलम्स एंड फोर रोज है। अगर मैं 4 × 4 करूँ तो 16 विल बी माई आंसर ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, 4 × 4 डायरेक्टली कितना आएगा, 16। वैसे ही अगर एक्स एंड एक्स नंबर ऑफ रोज भी अगर कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक्स है, नंबर ऑफ रोज भी एक्स है, सो एक्स इंटू एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे बेटा। और वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए, 3 4 8 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 4 8 1। इसका मतलब x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 4 8 1 ठीक है। इसमें नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 3 4 8 1 ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको डिवीजन मेथड से निकालना आता है इट्स गुड, नहीं तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं बेटा ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर मैं 50 की बात करूँ तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500। अगर मैं 60 का स्क्वायर करूं तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। तो कहीं ना कहीं ये नंबर इन दोनों के बीच में है और लास्ट में 1 आ रहा है। अच्छा अगर मैं 51 का स्क्वायर करूं तो डेफिनेटली 51 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा।
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 का स्क्वायर करूँगा तब भी लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो मेरे पास दो ही नंबर्स हैं जो जो आंसर हो सकते हैं। अगर मैं 51 देखूँ, 51 into 51, वैसे तो वो ज़्यादा क्लोज होगा 2500 का, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये 51 into 5 या आ गया आपका 2601, ठीक है, 2601 आ गया, जो हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं 59 into 59 करूँगा तो आई विल गेट माई आंसर 59 into 59, 9 9 81 आया ना लास्ट में, 8 9 5 45, 45 और 8 53 into 9 5 45 का 5 carry 4 25 29, तो ये आ गया 1, ये आ गया 8 9 5 14 1 3 3 4 8 1, देखो सी। तो आपको रूट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको, अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 3 4 8 1 है, 50 का स्क्वायर मुझे पता होता है 2500, 60 का स्क्वायर मुझे होता है 3600, और अगर मैं 51 से लेकर 59 तक आऊँ तो 51 एक नंबर है जिसके जिसकी स्क्वायरिंग करके लास्ट में 1 आ सकता है, या 59 ऐसा वो नंबर है, तो 59 आ रहा है इसके लिए, सो 59 विल बी माई आंसर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स निकालना होगा आपको। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में अभिमन्यु हैज़ 3 times as many as, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को फिर से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ईजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में अभिमन्यु हैज़ 3 times as many as, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरा एक वॉलेट है, या एक पोटली है मेरी, पोटली, इसमें मेरे पास 2 rupees के कॉइन्स भी हैं, 2 rupees के कॉइन्स भी हैं, और मेरे पास 5 rupees के कॉइन्स भी हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी भी मुझे दी है बेटा, क्वांटिटी कितनी दी है, 2 rupees कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है, वो कह रहा है कि 3 times, तिगुनी है जितनी 5 rupees कॉइन्स की क्वांटिटी है। सपोज 5 rupees की अगर x क्वांटिटी होगी तो 2 rupees की कितनी होगी, 3 times 3x, ठीक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ कॉइन्स। और हम लोग टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, अगर मेरे पास 2 rupees के सपोज 3 coins होते तो मैं 2 into 3 करता तो मेरे पास 6 rupees होते, और अगर 5 rupees के 2 coins होते तो मैं 5 into 10 करता। उसी तरीके से जो टोटल वैल्यू कैसे आएगी, टोटल वैल्यू जब मैं डिनोमिनेशन को, डिनोमिनेशन मतलब होता है वैल्यू, उसको मैं नंबर ऑफ कॉइन्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, सो टोटल वैल्यू कितनी मुझे दी है, 77, तो कैसे आएगी वो, जब मैं करूँगा 2 into 2 rupees के कितने कॉइन्स है, 3x प्लस 5 into 5 rupees के कितने कॉइन्स है, x इज इक्वल टू 77, तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 11x, कितना आ गया 77, और x कितना आ गया 7, x आ गया 7। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, मतलब 2 rupees के कितने हैं और 5 rupees के कितने हैं, तो 2 rupees के कितने हैं उसके पास, 3x, ठीक है, तो 2 rupees के 3x हैं। अब तो ईजी, अब तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ओके, तो मेरे पास 2 rupees के कितने कॉइन्स हो गए, देयरफोर 2 rupees के मेरे पास कितने कॉइन्स हो गए, 3x इज इक्वल टू 3 into 7, कितने हो गए, 21 कॉइन्स, और 5 rupees के कितने हो गए, 5 rupees के मेरे पास हो गए x, और x कितना है, 7 कॉइन्स, ठीक है, और टोटल मेरे पास 28 कॉइन्स हो गए। तो टोटल तो नहीं पूछा उसने, लेकिन उसने सिर्फ पूछा था कि 2 rupees के कितने और 5 rupees के कितने कॉइन्स हैं, दैट्स इट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसको भी बेटा नोट कर लेना, बहुत ईजी सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसा है। मोटर बोट गेट्स डाउनस्ट्रीम इन रिवर, ठीक है, तो बेटा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सवाल है, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड बोट इन स्टिल वाटर। तो मैं आपको पहले से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमेशा जब भी मैं डाउनस्ट्रीम में स्पीड कंसिडर करता हूँ, डाउनस्ट्रीम में हमेशा याद रखना कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होती है, ठीक है, SD मतलब होता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम के केस में ओवरऑल स्पीड को मैं SD बोलता हूँ, SB इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट, SS इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब धारे की स्पीड, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये डाउनस्ट्रीम का केस है, SB मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट, SS होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी या धारा। अगर मैं अपस्ट्रीम का केस लूँ बेटा, अपस्ट्रीम का केस, इफ़ आई टेक द केस ऑफ अपस्ट्रीम,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस यू विल बी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस एस, ठीक है। अपस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो स्पीड ऑफ बोट को माइनस करती है, ठीक है, अपोज करती है उसका। चलो इफ़ यू हैव दिस टू इक्वेशंस ना, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, मैं थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ, इफ़ यू विल ऐड दिस इक्वेशंस ना, अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपके पास एस बी आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस डी प्लस एस यू आएगा और राइट हैंड साइड में टू एस बी आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं एस बी निकालूंगा तो दैट विल बी एस डी प्लस एस यू अपॉन टू, बच्चों को ये फॉर्मूला आना चाहिए, अपॉन टू, ठीक है। तो बच्चे शुड नो दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। एक ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक और फार्मूला निकल के आता है इफ़ आई विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्या क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, सो वन मोर फार्मूला विल कम, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस, ठीक है, सो व्हाट विल कम, अभी तो मैंने ऐड करी, आई हैव एडेड टू, सो लेफ्ट साइड में आएगा एस डी माइनस एस यू, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो एस बी कैंसिल हो जाएगा और एस एस माइनस ऑफ माइनस एस एस विल कम टू एस एस, ठीक है, और यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना जाएगा, एस डी माइनस एस यू अपॉन टू, ठीक है। तो आपको ये दो फॉर्मूलेज बस आने चाहिए बेटा, एस बी स्पीड ऑफ बोट इन टर्म्स ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन टर्म्स ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, इफ़ यू नो दिस टू फॉर्मूलाज दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी बेटा फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लॉजिक आपको पहले बता दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, यू नोट इट डाउन, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, यू शुड नो द फॉर्मूला, ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करके, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं, ओके। अच्छा, अ मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन रिवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो आपको डाउन स्ट्रीम का केस दिया है बेटा, धारे के साथ जो नदी की जो जिस डायरेक्शन है उसी के साथ जाऊंगा तो उसको मैं डाउन स्ट्रीम कहता हूँ, तो डाउन स्ट्रीम के केस में आपको डिस्टेंस दी है बेटा, डिस्टेंस कहा है आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन्स इन 5 आवर्स, ठीक है। सो अ बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर, आई हैव टेकन एक्स किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है वहाँ पर, टाइम ले रहा है 5 आवर्स डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। सो यू हैव डिस्टेंस, यू हैव टाइम, सो एज यू ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम, तो मैं अगर एस डी निकालूँ तो एस डी कितना जाएगा, डिस्टेंस एक्स बाई 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इट कवर्स द डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो वही सेम डिस्टेंस होगी अपस्ट्रीम, अब वो वापस आ रहा है उस नदी के धारे के विपरीत आ रहा है, ठीक है। सो अपस्ट्रीम के केस में अगर मैं डाउन स्ट्रीम का ये है तो अपस्ट्रीम में क्या है, अपस्ट्रीम का केस क्या है, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस इज अगेन सेम, वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो एक्स किलोमीटर की, लेकिन टाइम अब ज़्यादा लगेगा क्योंकि उल्टा आ रहा है ना बेटा, ठीक है, रिवर के डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रहा है वो, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट आ रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है। सो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी जाएगी, एस यू कितना जाएगा, अपस्ट्रीम की स्पीड जाएगी एक्स अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन टू यू 3 किलोमीटर पर आवर, अरे बस हो गया ये सवाल, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है, अगर मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितने दिए मुझे, एस एस गिवन है, कितने दिए 3 किलोमीटर पर आवर धारे की स्पीड दिए, तो मुझे एस बी निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा बेटा एस बी का, एस बी क्या था, एस डी प्लस एस यू अपॉन टू ना, लेकिन ये फॉर्मूला मैं अभी नहीं लगाऊंगा बेटा क्योंकि मुझे एस एस गिवन है, इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे आई डोंट नो एस बी, एच डी एंड एस यू आर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाउ आई विल कैलकुलेट एस बी, सो आई विल नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला बेटा, आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला एस एस वाला, एस एस क्या था, एस एस था एस डी माइनस एस यू अपॉन टू, इससे क्या होगा, एस एस इज गिवन टू मी 3 इज इक्वल टू एच डी इज हाउ मच, अब एक ही वेरिएबल है एक्स, एक्स अपॉन 5 माइनस एस यू इज हाउ मच, एक्स अपॉन 6 अपॉन 2, 2 विल गो हियर इन टू 2 यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, चलो अपॉन 2 अभी यहीं कर रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है, बस सी ना द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा x आ जाएगा बेटा, x विल बी हाउ मच, 3 to the 6 इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 6 and 5, एलसीएम विल बी 30 एंड 6x माइनस 5x, सो x कितना जाएगा, x आ गया 180, सो डिस्टेंस कितनी आ गई 180 किलोमीटर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ बोट,
सो स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए आई शुड नो नाउ एस डी एंड एस यू. तो एस डी कितना जाएगा बेटा, देयर फोर एस डी कितना था मेरा x अपॉन 5. सो 180 अपॉन 5 कितना आ गया, 36. और एस यू कितना आ गया, एस यू था मेरा x अपॉन 6. सो 180 अपॉन 6 कितना आ गया, 30. ठीक है, नाउ यू हैव एस डी विथ यू एंड यू हैव एस एस विथ यू. ठीक है, सो इफ यू पुट वैल्यू, ठीक है, इसको आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन ए, सपोज मैंने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया, इफ़ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन ए यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, नाउ आई हैव एस बी, तो मैंने सबसे पहले एक्स निकाला, एस एस वाली इक्वेशन ली क्योंकि एस एस वॉज गिवन टू मी. अगर मैं एस बी वाली इक्वेशन लेता तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हो जाते तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता. आई हैव टेकन द इक्वेशन ऑफ एस एस क्योंकि एस एस वॉज गिवन टू मी एंड एस डी एंड एस यू हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ एक्स. उससे एक्स आया निकल के, एक्स की वैल्यू मैंने एस डी और एस यू में रखी तो एस डी और एस यू निकल के आ जाए आ गया और अब मैं एस बी बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ. तो एस बी क्या था, एस डी प्लस एस यू अपॉन 2. ठीक है, तो एस डी सॉम 36 प्लस 30 अपॉन 2, सो इट विल बी 66 अपॉन 2, इट विल बी हाउ मच, 33 किलोमीटर पर आर. स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 33 किलोमीटर पर आर. ठीक है, तो एस बी इज़ नथिंग बट 33 किलोमीटर पर आर. सिंपल, दैट्स ऑल. तो हमने पार्ट ए के भी सारे क्वेश्चंस बेटा वी हैव डन एंड वी हैव सीन कि हाउ मच सिंपल इज़ इट. ठीक है, कितना सिंपल है. एनी डाउट टू एनी वन, वो तो मैं मुझे बाद में पता चलेगा जब बच्चे मुझे फीडबैक देंगे. सो प्लीज़ राइट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स. बताओ मुझे कि मैं और बेटर कैसे इन वीडियोज़ को आप लोगों के लिए बना सकता हूँ. कुछ बच्चों की कंप्लेन थी जब मैं बोर्ड में बच्चों को पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी राइटिंग बहुत छोटी है. ठीक है, मैं उसको मानता हूँ क्योंकि हमने वो वीडियोस ऑलरेडी पहले बना लिए थे तो वो हमें अपलोड करने ज़रूरी थे तो इसलिए स्मॉल हैंड राइटिंग के साथ ही हमने अपलोड किए. बट डोंट वरी, अब मैं राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो. ठीक है, सो बेटा ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब अवर चैनल. आरएमसी इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम एट ऑल. आप देख लो मैथ्स कितनी सिंपल है और इंग्लिश थोड़ा सा बच्चों को फोकस करना है और जीके का वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा. ठीक है, तो जो जीके में बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन पे भी आऊंगा बहुत जल्द. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैथ्स एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट.